Hello friends, this is asan Agrawal. I am a psychologist and life coach. Today I will tell you one thing कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमसे ज़बरदस्ती हमारे मन की ऐसी अवस्था बन जाती है, हम करते ही चले जाते हैं कई चीज़ों से हम डरते हैं और बार बार हमें पता है कि उसका डरने का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं उन चीज़ों से। कई चीज़ों में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें पता है कि उस चीज़ में इतना खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। कई चीज़ों में हम जो है जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उतना परफॉर्म नहीं करते, बार बार हमें वही फेलियर। कारण क्या है इसके पीछे? मन का एक अचेतन हिस्से में एक हमारी ऐसी प्रक्रिया चली जाती है जो बार बार हमने उसी पैटर्न को फॉलो करती है और बार बार सेम परिणाम सामने लेके आती है, लेकिन इसे बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं केवल साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसको बहुत ही आसानी से आप तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक कबीला था, वो 3000 किलोमीटर दूर उसको यात्रा करना था, तो बीच बीच में उनके स्टॉपेज होते हैं, वहाँ पे वो रुकते हैं। तो एक स्टॉपेज में वो रुके, उनके पास 100 ऊँट थे, 99 ऊँटों को उन्होंने रस्सी से बांध दिया, एक ऊँट को नहीं बांधा। एक ऊँट की रस्सी खो गया, खूंटा खो गया, तो अब तूफान था, अब कैसे उसको ऊँट को बांधे, बड़ी समस्या। तो कबीले का सरदार था, वो दूसरे वाले कबीले के पास गया और बोला कि आप हमें एक रस्सी और एक खूंटा दे दो, हमारा एक ऊँट नहीं बांध पाया है। तो उन्होंने कहा कि आपको ऊँट को बांधने के लिए रस्सी और खूंटे की क्या ज़रूरत है, बस ऐसे ही गाड़ दो और ऐसे ही बांध दो। मैं समझा नहीं आपकी बात, ऐसे ही गाड़ दो ऐसे ही बांध दो, ऐसे कैसे बंधेगा वो? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे ही खूंटा गाड़ो ऐसे ही बांधो, वो बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बंधेगा। उन्होंने कहा कोशिश करो। वो समझा नहीं बात। उसने कहा जैसे आप खूंटा गाड़ते हो वैसे आप एक्टिंग करो खूंटा गाड़ने की, और जैसे आप रस्सी बांधते हो वैसे रस्सी बांधने की एक्टिंग करो, देखो क्या होता है। तो उसने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। वहाँ पे गया और उसने जो है ऊँट के पास जाके अपना हथौड़ा लिया और वैसे ही खूंटा गाड़ने की कोशिश किया जैसे असलियत में गाड़ रहा हो, और वैसे ही ऊँट पे रस्सी बांधने की कोशिश किया जैसे वो बांधता है वो, और ऊँट नीचे बैठ गया। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब कोई खूंटा नहीं गड़ा, कोई रस्सी नहीं बांधी, ऊँट बैठ कैसे गया? पहले तो बैठ नहीं रहा था ये, उन्होंने बहुत कोशिश किया। अब सुबह हुआ तो उसने जो है ऊँट को उठाया 99, तो खूंटा निकाला, रस्सी खोली, उसको जब खूंटा रस्सी कोई था नहीं तो नैसी उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊँट उठाई नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की, ऊँट उठाई नहीं। फिर कबीले के सरदार के पास गया, उन्होंने कहा जी वो ऊँट उठ नहीं रहा है। तो उसने कहा आपने खूंटा हटाया रस्सी खोली? उसने कहा नहीं करा, वो रस्सी और खूंटा तो है ही नहीं। उसने कहा जैसे रात बांधा था वैसे ही खोलो। वो गया, उसने वैसे ही खूंटा निकाला, वैसे ही रस्सी खोली, ऊँट उठ के खड़ा हो गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान के, हो क्या रहा है ये? तो वो कबीले सरदार के पास गया, उन्होंने कहा आपके पास ऊँटों का जबरदस्त ज्ञान है, क्या बात है आपकी, क्या जानते हो आप? तो उसने कहा कि ये ऊँटों का ज्ञान जो है ये मेरे को 70 साल का अनुभव है, और मैं जानता हूँ कि इन्हें रस्सी और खूंटों से लेना देना नहीं है, इनको आदत पड़ी हुई है। जब तक वो प्रोसेस हम पूरी नहीं करेंगे तब तक ये जो है उस एक्टिविटी को करेंगे ही नहीं कभी, और वो हो चाहे ना हो, सेम हमारे मन के साथ है। किसी भी चीज़ को हमने हटाना है वो एक्चुअली है ही नहीं अटका हुआ, वो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही आपको खूंटा जैसे उसने गाड़ा और जैसे रस्सी लगाई, ऐसे ही आपने अपने मन के साथ करना है। और जब आज जिस चीज़ को आपने हटाना है उस चीज़ के लिए फिर दोबारा से खूंटा हटाओ, रस्सी हटाओ और आपका मन मो। इस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको आपको लगता है कि आपकी आदतें बन चुकी हैं और आप छूट नहीं पा रहे हो, आप देखेंगे विद इन वन डे यू कैन गेट रिड ऑफ किसी भी, आप अपनी आदत से मुक्त हो सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सर मुकुल अग्रवाल, लाइफ कोच एंड साइकोलॉजिस्ट, और मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।